अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु प्यारे स्टूडेंट। जी हाँ, आप अब तक पढ़े हैं सबक नंबर 8 तक, आज पढ़ेंगे आप सबक नंबर 9। फिर मैं आपसे कह दूँ, जब भी आप सबक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है और राइटर का नाम क्या है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, चूँकि हर एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाता है। देखिए, आज पढ़ेंगे सबक नंबर 9, चैप्टर का नाम है भोले बिसरे गीत। भोले बिसरे गीत इसके लिखने वाले हैं शफी जावेद साहब। शफी जावेद साहब, शफी जावेद के तअल्लुक से जितने क्वेश्चन से, वो तमाम क्वेश्चन जो किताब में नहीं बने, हम आपके लिए बना के दिखाते हैं ताकि इम्तिहान में आपको सहूलत हो। तो हम स्टूडेंट आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि भोले बिसरे गीत किसने लिखा है। भोले बिसरे गीत किसने लिखा है? देखिए, ऑप्शन ए में है मिर्ज़ा गालिब, और बी में है शफी जावेद, और सी में है अख्तर, और डी में है जिलानी बानो। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि शफी जावेद ने लिखा है, जो मैंने आपको ऊपर में दिखाया था। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, शफी जावेद कब पैदा हुए। ये डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, कब पैदा हुए इसका। देखिए, ए में है मार्च 1932, और बी में है 4 जनवरी 1935, और सी में है 1930, और डी में है 1937। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 4 जनवरी 1935। यही आपको परफेक्ट याद करना है। अगर आप पूछ सकते हैं, इसको लिख लीजिए, आपको वही फायदा करेगा। हर चैप्टर के क्वेश्चन की लिखिए आप। सवाल नंबर 3 में है, शफी जावेद का असल नाम क्या था। देखिए, उनका पूछ रहे हैं असल नाम क्या था। ए में है मोहम्मद शफीउज्जमा, और बी में है सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन, और सी में है नसरुद्दीन, और डी में है रियाजुद्दीन। सब में दीन दीन लगा हुआ है। आपको राइट आंसर चुनने के लिए चुनना होगा बी, यानी कि सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन इनका असल नाम था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में, शफी जावेद ने MA किस सब्जेक्ट में किया। MA किस सब्जेक्ट में किया और कहाँ से किया, पूछ सकता है। तो देखिए, इसमें है ए में फारसी में, और बी में है उर्दू में, और सी में है समाजियात में, और डी में है अंग्रेजी में। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि समाजियात में किया, और पटना यूनिवर्सिटी से किया, भी आपको याद करना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, शफी जावेद कहाँ पैदा हुए। शफी जावेद कहाँ पैदा हुए, प्यारे स्टूडेंट? देखिए, ए में है पटना में, और बी में मुजफ्फरपुर में, और सी में गया में, और डी में है चंपारण में। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सी, राइट आंसर होगा बी होगा, यानी कि मुजफ्फरपुर में ये पैदा हुए। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में, जो इस चैप्टर का क्वेश्चन देखिए लिखना वाला आखिरी क्वेश्चन होगा, शफी जावेद को कौन सा पहला अफसाना है। शफी जावेद का कौन सा पहला अफसाना है, प्यारे स्टूडेंट? देखिए, ए में है खुली जो आँख, और बी में है दायरा से बाहर, और सी में है आर्ट और तंबाकू। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि आर्ट और तंबाकू इनका पहला अफसाना है, जो 1953 में शाया हुआ। नीचे लिखना 1953 में इसका प्रकाशित हुआ है। अब आइए देखिए, मेरा स्टूडेंट, जितना हमने आपको दिया अब तक, यानी 6-7 क्वेश्चन दिया, ये तमाम क्वेश्चन किताब में आपके बने हुए नहीं थे, लेकिन हमने सिर्फ बनाया ताकि इम्तिहान में ये बार बार पूछा जाता है, ताकि हमारे बच्चे कहीं चूक ना जाए। अब आइए, किताब में जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या लिखा है। कि सवाल नंबर 1 में है, सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए। सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए, इसका राइट आंसर लिखा है डायरेक्टर के ओहदे से, डायरेक्टर के ओहदे से। अगर देखते हैं सवाल नंबर 2 में, उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था। उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था, नवासा कहते हैं बेटी के बेटे के, यानी कि नाती को बोलते हैं। जवाब में है लॉ ऑन इंटरनेट, लॉ ऑन इंटरनेट देख रहा था। सवाल नंबर 3 में है कि रूमी रंजन कौन थे, रूमी रंजन कौन थे। जवाब में है रूमी रंजन अजीज़ अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे, यानी कि पुराने उनके दोस्त थे। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में, क्या डॉक्टर की बात सुनकर वह सन्नाटे में आ गए। तो प्यारे स्टूडेंट, जवाब पढ़ने से पहले मैं आपसे बात कहूँ कि जी हमारी काविश कोशिश को देख रहे हैं, हमारी खिदमत अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चंद साथी पर शेयर जरूर करना। तो देखते हैं इसका जवाब क्या है। जी हाँ, डॉक्टर की बात सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए। अगर देखते हैं सवाल नंबर 5 में, उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था, उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था। जवाब है ट्रांजिस्टर। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, ट्रांजिस्टर जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी, पूछ रहा है। जवाब देखिए, जी हाँ, उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी, यानी कि जीत की चमक थी। सवाल नंबर 7 जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन सकता है, भोले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हो गया। ये क्वेश्चन बीबीआई आपको याद कर लेना होगा कि भोले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हो गया था। जवाब में सुबह के 8:30 बजे, यही ध्यान में आ सकता है, 7:30, 9:30, 10:30, तो चुनना क्या आपको, 8:30 बजे। तो पहले स्टूडेंट, आज इतना ही। आपको फिर कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो को आपने अब तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर कल के बाद परसों आपको वीडियो मिलेगी। और तब तक इंतजार कीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।